डाटा बना हुआ है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी सेल को शॉर्टकट की द्वारा कैसे मर्ज करते हैं। यहाँ पर रुपीस अलग कॉलम में लिखा है, ई कॉलम में, और पैसे एफ कॉलम में लिखे हुए हैं, लेकिन जो अमाउंट है इन दोनों के बीचों बीच आना चाहिए। तो मैंने शिफ्ट के साथ दोनों का सिलेक्शन किया, ई सिक्स का और F6 का। उसके बाद मैंने ऑल्ट एच एम एंड देन एंटर प्रेस किया, तो ये मर्ज सेल मर्ज हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो।